अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन के बारे में बात करने वाले हैं। इस इवेंट में कितनी टीम्स खेलने वाली हैं और ये स्टार्ट कब हो रहा है? इस इवेंट में सिर्फ स्ट्रीमर ही होंगे या फिर हमें कोई कंपेटिटिव टीम भी खेलती हुई दिखाई देंगी? तो गाइस, ये वीडियो मैं बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन पे इसलिए बना रहा हूं कि आप इस इवेंट की डिटेल्स अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस इवेंट में पाकिस्तान की कंपेटिटिव टीम्स भी हिस्सा ले रही हैं, और वो हिस्सा इस तरह से ले रही हैं कि हर कंपेटिटिव टीम के साथ एक प्लेयर ऐसा होगा जो पाकिस्तानी स्ट्रीमर होगा, जो उस टीम को एज ए स्ट्रीमर ज्वाइन करेगा और इस तरह से वो टीम इस इवेंट में खेलेगी। जो भी स्ट्रीमर जिस टीम को भी ज्वाइन करेगा वो हमें उस टीम के साथ खेलता हुआ भी नजर आएगा, और हर टीम में एक स्ट्रीमर का होना लाजमी है। तमाम स्ट्रीमर्स और टीम की लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा स्ट्रीमर कौन सी टीम ज्वाइन करेगा और उसके साथ खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो गाइज, ये है वो टीम लिस्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीम के साथ साथ स्ट्रीमर का नाम भी लिखा हुआ है। जिस टीम के सामने जिस स्ट्रीमर का नाम लिखा हुआ है वो इस बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन में उस टीम के साथ खेलते हुए दिखाई देने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिप्टो एज ए स्ट्रीमर आईएटी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने वाले हैं, जलमी गेमिंग टीम रेज को, टीन वोल्फ क्लैरिटी स्पोर्ट्स को, एचएस समक नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स को, एसपी जोकर द ग्राउंडर्स को, आईएम फरहान 4VX टीएफडी को, 47 खलीफा टीएमडब्ल्यू स्पोर्ट्स को, 3X गैम्बलर 3X स्पोर्ट्स, अबू बकर गेमिंग टीम मजिशियंस को, दियाज गेमिंग पायरो स्पोर्ट्स, मर्सिलेस मेडिक डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स, एल्बर्ट ओपी टीआरटी स्पोर्ट्स, फैमी बाबा क्वांटम रेज, मिली शाह मैग्नस स्पोर्ट्स, मिस्टर खान एनआरसी स्पोर्ट्स, और यहाँ पे लास्ट नंबर पे बाबा यागा प्लेस फ्लेम वन गेमिंग के साथ बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आईबीएस शान टीम टफ के साथ खेलने वाले हैं, मुकद्दर गेमिंग टीम कुवर्टी के साथ, डेड सेक्स साइको एमएसएक्स काई स्पोर्ट्स, बाबा ओपी फ्री स्टाइल के साथ, स्टार अनोनिमस टीम स्टार के साथ, वायरस गेमिंग टीम H2E, अननाउन ओपी R3D स्पोर्ट्स, प्रीडेटर R3G, रोमियो यूनिक स्पोर्ट्स, बादशाह ओपी टीम HR, FM रेडियो गेमिंग FM स्पोर्ट्स, नटकट F4 स्पोर्ट्स, लिली लाइव टीम NV, FM नासिर फाइमी स्पोर्ट्स, कदीर गेमिंग एक्स जनरेशन, और एक्शन गेमिंग हमें बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन में स्टालवर्ड स्पोर्ट्स के साथ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज, आप लोगों को कौन से स्ट्रीमर का कौन सी कंपेटिटिव टीम के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन के प्राइज पूल के बारे में। इस इवेंट का प्राइज पूल है 5 लाख, और ये टीम्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट प्राइज 2 लाख, सेकंड प्राइज 1 लाख, थर्ड प्राइज 50,000, फोर्थ प्राइज 20,000, एंड फिफ्थ से नाइन्थ 10,000, टेंथ से 16 5,000, और गाइज उसके बाद 15,000 MVP प्लेयर को मिलेगा और 15,000 फैन फेवरेट प्लेयर को, और उसके बाद 15,000 TDM का होगा। तो गाइज, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस इवेंट के गिव अवे के बारे में। तो मैं आपको बताता चलूं कि बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन में 2,50,000 तक की प्राइज पूल के गिव अवे होने वाले हैं, जिनमें मोबाइल फोन, रॉयल पासेस और कुछ स्किन्स वगैरह भी होंगी जो हमें व्यूवर्स में तकसीम होती हुई नजर आएंगी। तो गाइज, नेक्स्ट हम बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन के मैचेस कैजुअल के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज, मैचेस कैजुअल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये इवेंट 17 जून से स्टार्ट होगा और 23 जून तक चलेगा। तो हम बात कर रहे थे मैचेस कैजुअल के बारे में। तो गाइज, 17 जून को ग्रुप ए के 4 मैचेस होंगे, और फिर 18 जून को ग्रुप बी के 4 मैचेस होंगे, और गाइज 19 जून को ग्रुप ए के भी 2 मैचेस होंगे और ग्रुप बी के भी 2 मैचेस होंगे। मतलब कि 19 जून को टोटल 4 मैचेस होंगे जिसमें हमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की दोनों टीम्स खेलती हुई नजर आएंगी। और गाइज, उसके बाद फाइनल स्टार्ट होंगे 21 जून को, और 21 जून को 4 मैचेस होंगे और साथ ही साथ 2 TDM भी शामिल किए जाएंगे, और उसके बाद 22 जून और 23 जून को यही चीज रिपीट होगी, और उसके बाद बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन की फाइनल टीम के पॉइंट काउंट किए जाएंगे। जिस टीम के भी पॉइंट ज्यादा होंगे वो बिनोमो स्ट्रीमर शोडाउन की ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे पास इतनी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।